स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है और जिस कारण से सभी विद्यालय बंद हैं, तो हम आपको विद्यालय में नहीं बुला सकते और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम आपको ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो अच्छे से करें, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना आए। तो आज हम आपकी जो बुक है वसंत भाग दो हिंदी की, उसमें से आपकी फर्स्ट पोएम है आपकी हम पंछी उन्मुक्त गगन की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो कवि हैं वह हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम कविता के बारे में पढ़ने से पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो इसके अलावा और भी इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी जो मृत्यु है वह हुई थी 27 नवंबर 2002 में। तो आइए अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसका सरलार्थ करते हैं। तो उन्मुक्त क्या होता है बेटा? खुला। गगन होता है आकाश। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें पक्षियों की आज़ादी के बारे में बताया गया है कि हम पक्षी खुले आकाश के। तो पक्षियों को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है, इसमें यही बताया गया है कि जैसे एक मनुष्य को अपनी आज़ादी प्यारी होती है, वह खुले में रहना चाहता है, किसी प्रकार की पाबंदी वह अपने जीवन में नहीं चाहता, तो वैसे ही जो पक्षी होते हैं वह भी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो जैसे कि बेटा आप सोच के देखो कि एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और वहाँ पर आपको अच्छा अच्छा खाना दिया जाए, अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाएं, लेकिन आपको कहा जाए कि आपको इस बंद कमरे में ही रहना है, तो क्या आप खुश रह पाओगे? सोच के बताओ, नहीं रह पाओगे ना। तो वैसे ही जो ये पक्षी हैं, जो पंछी हैं, वो कहते हैं कि हमें भी खुले आसमान में उड़ना है। उन्हें खुला आसमान एक सोने के पिंजरे से ज़्यादा अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि पिंजरे में, सोने के पिंजरे में मिलने वाले अनाज से तो हमें ज़्यादा अच्छा खुला आसमान में रहना पसंद है और कड़वी नीम की निम्बोलियाँ ही खाना पसंद है। तो आइए हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पहले हम इसके शब्दार्थ करते हैं। उन्मुक्त होता है खुला, गगन मतलब आकाश, पिंजरबद्ध होता है बेटा पिंजरे में बंद होना, कनक सोने की, तीलियां होती हैं सलाखें, यानी कि जो पिंजरे की सलाखें होती हैं, पुलकित होता है खुशी से भरे हुए। तो कवि पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो पक्षी हैं वह कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं और यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम अपने गीत नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, और सोने की जो तीलियां हैं या सोने की जो शलाखें हैं उनसे टकराकर हमारे खुशी से भरे हुए पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। पहले कटुक होता है बेटा कड़वी, निम्बोरी मतलब जो निम्बोरियाँ होती है, नीम की निम्बोरियाँ, कनक सोने की, मैदा मतलब कि मैदा अनाज। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो बताते हैं कि ये पक्षी कहते हैं कि हम तो नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि हमें सोने की कटोरी में मिलने वाले अनाज से ज़्यादा अच्छा तो कड़वे नीम की निम्बोली ही लगता है। अर्थात पक्षी कहना चाहते हैं कि अगर हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सोने की कटोरियों में हमें अच्छा अच्छा भोजन दिया जाए तो हमें वह अच्छा नहीं लगता, हमें तो खुले आसमान में उड़ते हुए नीम की कड़वी निम्बोलियाँ खाना ही पसंद है। नेक्स्ट है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण होता है बेटा सोना, श्रृंखला मतलब कि जंजीरें, गति होता है चाल,
तरु मतलब कि पेड़, फुनगी, फुनगी होता है जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी होती है। तो जो पक्षी हैं वह कहते हैं कि अगर हमें सोने के पिंजरे में बांध दिया जाए या सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो हम इन सोने की जंजीरों के बंधन में बंध कर अपनी चाल और उड़ान सब कुछ भूल जाएंगे, अर्थात हमारे अंदर निराशा का भाव आ जाएगा। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और फिर हम सिर्फ सपनों में ही देखेंगे कि हम पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों के ऊपर झूला झूल रहे हैं, अर्थात जब हवा चलती है और पेड़ का जो सबसे ऊपर वाली टहनी है वह हिलती है तो उस समय पक्षियों को ऐसा लगता है कि मानो वह झूला झूल रहे हैं, और पिंजरे में बंद होने पर उन्हें ऐसा सिर्फ सपना ही दिखे कि वे केवल पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी के ऊपर झूला झूल रहे हैं।